नमस्कार फ्रेंड्स, वीजा टू एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट हरीश बाली। इस समय हम वेस्ट गारो हिल्स के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स टाउन तुरा में हैं। कल भी हम यहां पर घूमे, आज भी घूमेंगे और कल भी घूमेंगे। पहले ब्रेकफास्ट करते हैं। जिस होम स्टे में हम रुके हुए हैं, ये लोकेशन मेरे को काफ़ी पसंद आई है क्योंकि बड़ा पीसफुल एनवायरनमेंट है और ग्रीनरी ग्रीनरी है हर तरफ। चलिए ब्रेकफास्ट करते हैं फिर घूमने चलते हैं। इस समय मैं होम स्टे ओनर्स के साथ हूँ, अश्विन भाई और उनकी वाइफ। अब देखिए, ब्रेकफास्ट में आज ट्रेडिशनल फूड हम क्या क्या खा रहे हैं, तो आप ही बताएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये सकन गाता बोलता है, ये स्टिकी पाउडर राइस और तिल के साथ बनाता है, इसको स्टीम किया जाता है। और ये जाकेप है, ये भी स्टिकी पाउडर स्टिकी राइस है, इसके इसके इसको तवा में बनाता है, ये इसके साथ भी तिल देता है, थोड़ा मीठा देता है। पिठा बोलता है इस, ये भी स्टिकी राइस है, इसको पिठा बना के तेल में फ्राई किया जाता है। और ये मिनल है, ये भी स्टिकी राइस है, इसको स्टीम किया जाता है, इसको मिनल बोलता है हम लोग। आपको दिखाने के लिए ना, यहाँ हमारे पास तीन तरह के चावल हैं। सबसे पहले आप देखिए ये चावल, ये स्टिकी राइस है, तो इसको देखने से समझ में आ जाता है कि ये स्टिकी है। मिल्की सा इसका टेक्सचर है, थिकनेस और ट्रांसपेरेंसी ज़ीरो। ये चावल जो आप देख रहे हैं तो नॉर्मल चावल है, जैसे देखने से समझ में आता है कि ट्रांसपेरेंसी तो नहीं है लेकिन हल्का हल्का दिखता है। ये चावल है जिसको बोलते हैं जोहा चावल। अच्छा, इसमें मैं देख रहा हूँ कि लेयर्स बनी हुई हैं, तो जो केक सामने पड़ा हुआ है वो लेयर बाय लेयर बनाया गया। तो एक लेयर स्टिकी राइस का डाला, उसके ऊपर तिल और उसके ऊपर फिर स्टिकी राइस। अच्छा, ये मैं डिफरेंस महसूस कर पा रहा हूँ। स्टिकी राइस होने की वजह से ना इलास्टिसिटी आ गई इसमें। आई मीन जैसा नॉर्मल राइस होता इतना इलास्टिक नहीं होता। ग्रेट। अच्छा, ये हम बात कर रहे थे ना, अंदर तिल है, ये आप थोड़ा सा देख लीजिए, ये तिल है। इसको ना असम में पिठा बोलते हैं, इस सिमिलर कॉन्सेप्ट को, लेकिन वहाँ पर मैंने जो खाया था उसमें स्टिकी राइस नहीं था और जो ये राइस पाउडर की मात्रा है वो वहाँ पर ज़्यादा थी। चीनी, हल्का हल्का मीठा। जनरली होता क्या, कुछ आप नया खाते हो ना तो यू नीड सम अटेम्प्ट्स टू डेवलप द टेस्ट, लेकिन इसमें कोई अटेम्प्ट नहीं चाहिए, डे वन पे टेस्ट डेवलप है क्योंकि दिस इज वेरी टेस्टी। और वो स्टिकी राइस साथ में तिल, एक्चुअली में हल्का हल्का कड़वा होता है तिल ऑन इट्स ओन, लेकिन वो चीनी डालने से थोड़ा मिठास आ गया और स्टिकी राइस इज अ वंडरफुल कॉम्बिनेशन। मतलब इसके ये पूरी डील में बड़ा मजेदार टेस्ट है। ये देखिए जी कैसा लग रहा है, मल्टी लेयर, वाओ। इसको हम लोग बिना स्टिकी राइस नॉर्मल राइस के भी बनाते हैं, लेकिन थोड़ा उसमें थोड़ा लूज होता है, लूज होता है और मजेदार है, वेरी टेस्टी। पिठा मैंने आपको देखा ना, स्टिकी राइस ऐसे समझ में आ जाता है। वाह 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 वाह, ये मैं जानकर ऐसे कर रहा हूँ देखने के लिए कि इलास्टिसिटी कैसी आती है। गुड, तीनों में स्टिकी राइस, तीनों के डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट, मजेदार। एक बार दोबारा बताइए इसको क्या नाम होता है। मिनल, मिनल। चटनी ज़्यादा मत खाओ, ये ज़्यादा जल होगा, थोड़ा खा के देखो। अच्छा, बहुत सारा चिली। माय गॉड, सीरियसली मजा आ गया। और ये तो अच्छा हो गया आपने मुझे सावधान कर दिया। मैं तो इतनी सारी चटनी लेने वाला था, अभी तो इतने से मेरी हालत खराब हो गई। सोचो कितनी गजब चीज़ है, अभी मैंने सिर्फ एक चम्मच लिया स्टिकी राइस का, बहुत हल्की सी चटनी लगाकर, और मेरे को ऐसा लग रहा है कि अगर मैंने सिर्फ इतनी क्वांटिटी स्टिकी राइस खा लिया तो आपका समझ लीजिए आधा ब्रेकफास्ट हो गया। आप हैवी करते हो ब्रेकफास्ट तो भी हाफ ब्रेकफास्ट हो गया, और वेरी टेस्टी, ऑसम, बहुत टेस्टी, एकदम। चिल्ली तो आपने दिल खोल के डाली है। चटनी ऐसे ही होती है। अच्छा, चटनी ऐसा ही होता है और बड़ी मज़ेदार है, और स्टिकी राइस बहुत शानदार है। ऑन अ लाइटर साइड बताइए, शादी के समय आमतौर पे हम देखते हैं बड़ी सेंसिटिव मूवमेंट होती है, जब लड़की अपना घर छोड़ के जा रही होती है, रोती है, अपने माँ बाप को बार बार हक करती है, अब मतलब कैसा आगे परिवार मिलेगा हमारे को। तो मतलब ये बताइए आपको कैसा लगा जब अपना घर छोड़ के आप यहाँ पे आ रहे थे, बिकॉज दिस इज योर वाइफ्स हाउस। यस, दिस इज माय वाइफ्स हाउस। हाँ जी, हम लोग शादी के बाद लड़की का घर जाता है,
और शादी का टाइम में जब माँ पिताजी सब छोड़ के जाता है शादी में तो बहुत इमोशनल हो जाता है। वो माँ, मेरा माँ पिताजी भी और हम भी, मतलब सब रिलेटिव्स इमोशनल हो जाता है। हम दूसरा घर में वो अकेला जा रहे, कैसा होगा उसका, मतलब कैसा संभालेगा, वो सब सोच के इमोशनल हो जाता है सब। देखिए मतलब कितनी यूनिक चीज़ है, मतलब मैं इमेजिन करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि अभी तक हम गर्ल साइड से हमेशा सोचते आए हैं कि गर्ल को आगे परिवार कैसा मिलेगा, खाना पूछेंगे नहीं पूछेंगे, सॉरी मतलब आई जस्ट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दी होल थिंग, बड़ा सेंसिटिव मोमेंट होती है। और आपका घर कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से 3.5-4 किलोमीटर नज़दीकी है। नज़दीकी है, ग्रेट। अभी जैसे मैंने आपको मैट्रिलिनियल मैरिज सिस्टम के बारे में बताया, तो ये बताइए कि फैमिली सिस्टम के अंदर शादी हो गई, सब कुछ सेटल डाउन हो गया, तो जनरल कौन है जो सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है पूरे फैमिली सिस्टम में? मामास। अच्छा, जो डिसीजन मेकिंग होता है वो मामास, ज़्यादातर मामास लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं नोटिस कर रहा हूँ पिछले कुछ दिनों से, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, जनरली यहाँ मैं नोटिस कर रहा हूँ विमेन एम्पावरमेंट ज़्यादा है और विमेन लेड सोसाइटी है लेडीज़, क्योंकि वर्कफोर्स भी मैं देख रहा हूँ जगह जगह विमेन है, और विमेन या तो एक स्टेप ऊपर है या सेम लेवल पे है। नहीं, वर्कफोर्स में वुमेन सेम ये होता है, लेकिन फैमिली में हेड ऑफ द फैमिली मेल ही रहता है। अच्छा, फूड एंजॉय करते करते हमने मैट्रिलिनियल सोसाइटी सिस्टम के बारे में डिटेल में जाना। यंगेस्ट डॉटर प्रॉपर्टी को इनहेरिट करती है और शादी के बाद अपने पेरेंट्स के पास रहती है। इंडिया में केवल मेघालय ही ऐसा स्टेट है जहां पर मैट्रिलिनियल सोसाइटी सिस्टम फॉलो किया जाता है। यहां पर इसके बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त करके अच्छा लगा। फूड फिनिश करके हम घूमने निकलते हैं। डेविड भाई, कितने किलोमीटर दूर है विलेज? यहां से 35 किलोमीटर है, हम लोग सादोलपरा विलेज पे जा रहा है। ग्रेट। जिस रीजन में हम ट्रैवल कर रहे हैं यहाँ पर मैक्सिमम क्रिश्चियन पॉपुलेशन है। रोड पर चलते हुए राइट हैंड साइड पर हम देख रहे हैं तुरा बैप्टिस्ट चर्च, थोड़ा और आगे जाएंगे तो हम देख रहे हैं सेक्रेट हार्ट श्राइन। चलिए अंदर की तरफ चलते हैं। आज संडे का दिन है, इस समय यहाँ पर प्रेयर चल रही है, क्रिश्चियंस संडे को चर्च ज़रूर जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, इस समय हम सादोलपाड़ा के रास्ते में हैं। सामने व्यू पॉइंट है, यहाँ पर रुक के व्यू देखते हैं। वाओ मैन, ओह क्या एक्सक्लूसिव मूवमेंट है, बहुत डिफरेंट, बहुत डिफरेंट। जैसे मुझे लग रहा था हम लोग हाइट पकड़ रहे हैं, वैसा ही हुआ। हम इस समय हाइट में और सामने पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, नीचे जंगल, हर तरफ पेड़, बहुत खूबसूरत। यहाँ आते ही हल्का हल्का बूंदाबांदी स्टार्ट हो चुकी है, बारिश के बारे में कुछ भी नहीं बोल सकते, यहाँ बारिश कभी भी होती है, काले बादल। डेविड भाई, आज सुबह हमको तुरा पीक जाना था, लेट सोकर उठे, जा नहीं पाए। यहाँ से दिखती है तुरा पीक? हाँ, ये रेंज सफ़ेद बादल। हाँ ठीक है, सफ़ेद बादल के पास में ही ना, मतलब तुरा पीक से आगे ही नोकरेक पीक है। हाँ, वो इस साइड में है। ठीक है, कोशिश करेंगे कल हम सुबह नोकरेक पीक जाएं। कितना किलोमीटर होगा हमारे गेस्ट हाउस से? गेस्ट हाउस से होमस्टे से, होमस्टे से तो 40 किलोमीटर। कल कोशिश करते हैं वहां जाने का और वहां से आपको व्यू दिखाएंगे, बड़ा मज़ा आएगा, ज़बरदस्त। लग रहा बरसात होगी, चलते नीचे। ठीक है, आओ जी। हम सादोलपाड़ा विलेज पहुंच चुके हैं। यहाँ आने का ऑब्जेक्टिव है सॉन्ग सारी कम्युनिटी के लोगों को मिलना, उनसे इंटरेक्ट करना, और हमें यहाँ पहुँचने में लगभग 2 घंटे लगे बीच में, क्योंकि हम रुकते रुकते आए, रास्ता अच्छा था। चलिए अंदर चलते हैं। अच्छा, कुछ बताइए इस कम्युनिटी के बारे में।
ये गारो ट्राइब है, अम्बेंग ट्राइब, सब ट्राइब। तो ये तो ट्रेडिशनल गारो विलेज है, यहाँ क्रिश्चियन ये हैं, वो लोग तो संसारिक है। संसारिक मतलब वो बिलीव इन स्पिरिट, लेकिन वो लोग वर्शिप नहीं करते हैं, लेकिन उसको मानते हैं। वैसा जाति है जो क्रिश्चियन नहीं। अच्छा, क्रिश्चियंस नहीं है, हिंदूज नहीं है? हिंदू भी नहीं, क्रिश्चियन भी नहीं। वो नेचुरल जो है, प्रकृति जो है, वही उसको बिलीव करते हैं। अच्छा, ऐसा लोग ये। ठीक है, तो अंदर चल के किसी से बात करते हैं। और अश्विन भाई को तो आप मॉर्निंग में मिले थे, ये उनके ब्रदर हैं, तो ये साथ अलग गाड़ी में आए और हम दूसरे व्हीकल में आए। आइए। ये यहाँ का विलेजर है। हाँ। और ये घर या बस्ती का विलेज का हेडमैन है। गपन आसमानी रे बाबा, या हाय बाबा, या इसका वाइफ है। थैंक यू। शाम को मैं Mithila. Means thank you. Okay. Mithila. He's thanking you for coming. Oh, Mithila. I'm Mithila. अंदर आने के बाद मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि यहाँ पर गेस्ट का वेलकम राइस बियर से किया जाता है, तो ये वही सेटिंग कर रहे हैं। ये जो बना है ये तो अभी तो कॉन्सेंट्रेटेड है, बहुत तगड़ा है। अच्छा, इसलिए उसको ये पानी का साथ डाइल्यूट कर रहा है। अच्छा। डाइल्यूट कर थोड़ा नरम करता है, जो पीने का लायक बनता है, बना रहा है। ओके, स्ट्रॉन्ग स्मेल आनी स्टार्ट हो चुकी है। हाँ, अभी जो आपका सामने वो राइस बियर लाके यहाँ थोड़ा सा फेंका ना, ये मेहमान को देने से पहले वो स्पिरिट को, गॉड स्पिरिट जो इन लोग बिलीव करते हैं, उसको पहला ऑफर करते हैं, इसका बाद में आपको देगा। ओके, नहीं नहीं वो दे देगा। अच्छा है कि बुरा है? अच्छा, स्लोली 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 अच्छा अच्छा डायरेक्ट मिथिला। तो ऐसे ये डायरेक्टली गेस्ट को पिलाते हैं? ओह गॉड, एकदम से पी जाते हैं। एक चीज़ बताइए, जैसे अभी तो दोपहर का टाइम है, तो अगर गेस्ट मॉर्निंग में आ जाए सुबह 8 बजे, तो भी राइस बियर से वेलकम करते हैं? सुबह में आना से भी, दिन में आना से भी, रात को आना से भी, पर हम लोग राइस, वो लोग राइस बियर से वेलकम करते हैं। अभी अभी हम लोग देखा है वो जो राइस बियर पीता है वो ऐसा है जो वो लोग जूम फिर में कम करने से भी दिन में 2 लीटर यानी 3 लीटर को एक साथ में सकते हैं। 2 लीटर राइस बियर एक साथ पी लेते हैं एक साथ में। एक चीज़ बताइए, गारो हिल्स में इस समय सोनसारिक जो कम्युनिटी है, जो ट्राइब है, इनकी पॉपुलेशन कितनी होगी टोटल? मतलब हाउस होल्ड नहीं, टोटल कितने लोग होंगे ये विलेज में? हाँ, विलेज बता दीजिए। विलेज में तो 400 जैसा होगा। 400 और यहीं पर मैक्सिमम लोग हैं गारो ट्राइब में। सोनसारिक रिलीजन जो है, जो इनका रिलीजन है, उसकी पॉपुलेशन इतनी कम क्यों है? जैसे आपने बताया केवल 400 विलेजर्स हैं नंबर में जो यहाँ पर हैं, और अदरवाइज भी ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है, तो इसका मेन कारण क्या है? मेन कारण तो मॉडर्नाइजेशन। अच्छा, समय के साथ? समय के साथ जो वक्त आता है, ये लोग भी थोड़ा सा चेंज हो रहा है इसीलिए। अच्छा, आप मेरी तरफ से इनको बोल सकते हैं गुड टेस्ट ऑफ राइस बियर? जरूर। ये दो नंगनी रंगबा बीनी रंगबा लोगों थोजोक ना छू छू मतलब राइस बियर को छू बोलते हैं। अच्छा, गारो भाषा में। ओके, मिथिला बोलते हैं। मिथिला, कुछ और बताइए इनके बारे में। सुबह जब ये मुर्गा जो दागते हैं ना, कुकुरुकु बोलते हैं, कुकुरुकुडू, बस ये उस टाइम में वो लोग जागते हैं,
और थोड़ा सा नाश्ता करके सुबह सुबह 4:30 या 4 बजे या 4:30 बजे में लोग अपना खेती में काम करने के लिए चला जाते हैं। अच्छा, यहाँ तो सनराइज भी जल्दी होता है। जल्दी आते हैं तो 4:30 बजे अपने खेत में पहुँच जाते हैं। फिर दिन भर काम करना वहाँ पे, दिन भर काम करेंगे और ऊपर देखकर धूप को देखकर थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, लंच करेंगे, इसका बाद में फिर काम करेंगे। जहाँ ये सूरज डूबते हैं ना उसको देख के वो लोग पता कर लेता है अभी घर जाने का वक्त हो गया, तो घर में आके खाना पका के सो के जल्दी सो जाते हैं। खाते भी जल्दी जल्दी, सोते भी जल्दी जल्दी, जागते भी सोते जल्दी जल्दी, क्योंकि इन लोगों के पास घर ही नहीं है। वो मुर्गा जो दागते हैं वही उनका घर ही है। तो ये जैसे अब चावल को इस लीफ में डाल रहे हैं छागरों पे, तो ये इनका ट्रेडिशनल मेथड है? ये ऐसे ही है, ये ट्रेडिशनल मेथड हर बस्ती में हर घर में आपको मिल जाएगा। तो ये गेहूँ जैसे वीट का रोटी होता है तो वो खाते हैं या कभी नहीं खाते? सिर्फ राइस। राइस हमारे को हमारी कंट्री का ऐसा हिस्सा देखने को मिल रहा है जो एकदम अलग है, और देख के वाकई लग रहा है कि बहुत अलग है। थोड़ा एजुकेशन के बारे में जानिए कि अगर मतलब इनसे पूछिए कि जो आगे इनके बच्चे हैं जो अब जो पिछले 10 साल के हैं 8 साल के हैं, तो वो बच्चे पढ़ाई करते हैं? नास्टिक में एक प्राइमरी स्कूल है वहीं जाते हैं, और मिडिल का लिए वो रास्ता में हम लोग छोड़ के आए हैं ना, एक घर था उधर में RCC घर, वहाँ मिडिल स्कूल है, लेकिन यहाँ में हाई स्कूल नहीं है। अच्छा, हाई स्कूल इस एरिया में नहीं है? नहीं है, प्राइमरी स्कूल है और मिडिल स्कूल है। इनसे पूछिए कि अभी तो मौसम गर्म है, हाँ, लेकिन जनवरी में जब ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो इनके पास गर्म कपड़े इतने होते हैं कि सर्दी आसानी से गुजर जाए? मामा दाउदे ना दंखारी वाने मन खोमलों रुई है मो सिंखारी और ना सुंगर वस ना को गेलना मन्ना करता ना सुंगर दंगपा का बारा छोला रंग रुई मामा नॉयो बारा छोला जी दुआ चले अंतर ताने दे ना को दंगत ना दे चले बारा छोला दे थोड़ा बा लंगतरा खमोल आ अरे चुचोकरा अरे दंखारी उस गन्ना मंजर सिंना मंजर है दंखारी गन्जों वालों। गर्मी का सीजन में वो लोग क्या होता है पहनने का आदत नहीं है इसीलिए नहीं पहन रहे, फिर भी ठंडा के लिए हम लोगों के पास कपड़ा है। जब जूम करता है इसमें जूम करने से भी उन लोगों का फल अच्छा नहीं होता है, प्रोडक्ट इतना प्रोडक्टिव नहीं हो रहा है, इसीलिए वो लोग ऑप्शनल वो केशुनाथ एंड अरेकनाथ का बगीचा करता है, वही उन लोगों का लाइफ का सपोर्ट है। इनको लगता है कि आने वाली जो हमारी जनरेशन है बच्चे हैं उनको पढ़ने के लिए अच्छा फैसिलिटी हो, सब कुछ हो? ना सुनिए देर से शुरू शुरू ना फोरा ही ना करता ना सुनवारा माई बात आपका फैसिलिटी रखो, मतलब बच्चों को पढ़ाना चाहिए। बीचा रखो ना सुना फोरा इतना नंगा नहीं चंचे हम बीचा रंग बोली चाहे फोरा तो हाँ अब थंका फसे तक चक के फोरा तो हम बीचा रंगन स्कूल ना आ रहा था आ रहा तो वह कच्चा कच्चे दुक्की दुक्की रंग बात तो हाँ अब तेरे बीचा रंग बा चंगा सा मागबा भागबा चंगा वीजा जोक ने बदी रंग सिंगरम बो निम्न चंगा दी रंग बदी स्के तंग ये बोल रहा है कि हम लोग तो अनपढ़ है, फिर भी हम लोग चाहते हैं हम लोगों का बच्चा लोग पढ़ाई करे, पढ़े लिखे, बड़ा हो जाए। हम लोग इतना कोशिश करने से भी हम लोगों का बच्चा लोग पढ़ने का मन नहीं करता है, बच्चों का पढ़ने का मन नहीं करता। हाँ, वो लोग आजकल का ज़माने का साथ चलना नहीं चाहता है बोलता है। सब्जी बनाने के लिए मैचिंग बैंगन और ड्राई फिश को मिक्स कर दिया। अब इसमें डाल रहे हैं खार जो कि कॉटन ट्री की खार है। अब इसको बैम्बू ट्यूब में डालेंगे। हाँ। अगर विलेज में किसी परिवार के सदस्य की डेथ हो जाती है तो यहाँ पर उस सदस्य की याद में लकड़ी का एक पुतला बनाते हैं
उस पर वुड कार्विंग की जाती है। जो कपड़े वो पर्सन पहना करता था उस पुतले को वो कपड़े पहनाए जाते हैं और एज ए एंसेस्टर समय समय पर पूजा की जाती है। ये बैगन और मिर्चें का पत्ता है, लीजिए। तो इसमें बैंगन मिर्चिंग के साथ ड्राई फिश था ना, ड्राई फिश थोड़ा सा थोड़ा डाला है, केला का पत्ता में उसको रैप करके और उसको आग में डाला, चिकन और ये चावल का गुरा मिक्स करके खार का साथ बनाया हुआ। देखिए कितने ट्रेडिशनल मेथड से कुकिंग की गई है और ये सब प्रोसेस होते होते हैं, इस समय शाम के 5 बज चुके हैं। तो ये चावल जैसे हम खा रहे हैं तो इनके खुद के उगाए हुए चावल हैं। जी हाँ, ये अपना जूम कल्टीवेशन में इसको उगाए जाते हैं, वही वो लोग खाते हैं। चिकन जो हम खा रहे हैं ना, ये देसी चिकन है। दूसरी बात, आपने वो लीफ का नाम बताया सैमसुइंग, सैमसुइंग बड़ा यूनिक फ्लेवर है, डिफाइन कर पाना तो मुश्किल है सैमसुइंग का टेस्ट कैसा है, लेकिन जो एकदम से नोटिसेबल डिफरेंस टेक्सचर में तो आ गया, उसने एक हरा रंग दे दिया और लीफ ने एक फ्लेवर भी दिया है जो मॉडरेट सा है। कुछ बार खाना पड़ेगा उसके फ्लेवर और टेस्ट को समझने के लिए। और टाइमिंग देखो कितनी इनकी ज़बरदस्त है कि ना ये चिकन ओवर कुक हुआ है ना अंडर कुक हुआ है, परफेक्टली कुक्ड। अच्छा, एक चीज़ और मैंने नोटिस करी, जब ये कुकिंग कर रहे थे तो इन्होंने सिर्फ नमक डाले इसके अंदर, सही बात है ना, नमक के सिवा कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं। और टेस्ट देखो आप, नमक ने पूरा टेस्ट बना दिया और वो आपका बैम्बू ट्यूब, और टेस्ट वाकई अच्छा आ रहा है। हर्ष जी, इस गांव में आके कैसा एक्सपीरियंस है आपका? एक्सीलेंट। सबसे पहली बात ये है कि गांव में तो मैं बहुत बार गया हूँ पिछले जब से हम वीज़ा टू एक्सप्लोर कर रहे हैं, लेकिन इस तरह का ऐसा ट्राइब जिसकी रहन सहन एक तरह का है, और जैसे हमने यहाँ पर नोटिस किया कि इनके पास घड़ी नहीं है तो ये आसमान को देखते हैं और टाइम की जजमेंट कर लेते हैं। सुबह 4:30 बजे खेत में निकल जाते हैं, शाम को 7 बजे सो जाते हैं। तो ये बड़ी सारी चीज़ें जो इस ट्राइब को, मतलब इनकी कम्युनिटी को बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से अलग करती है। और मतलब मैं एक ओवरऑल चीज़ समझ रहा हूँ, एक्सपीरियंस में तो फूड भी है और यहाँ विज़िट करना भी है, काफ़ी मेरे को अच्छा लग रहा है। और हमारे लिए तो देखिए ये यादगार रहने वाला एक्सपीरियंस है। लो जी, बैंगन मैचिंग और थोड़ी सी ड्राई फिश, स्ट्रॉन्ग है ये मैचिंग का फ्लेवर, बहुत स्ट्रॉन्ग है। मेरे को बाहर भी जब बन रहा था ना तो उस टाइम लग रहा था, और इस समय तो खा रहा हूँ तो महसूस हो रहा है। टेस्ट डेवलप करना पड़ेगा, इसका तो ये आंसर है कि कुछ बार खाएंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ मैंने कल वेजिटेबल मार्केट में ये चीज़ नोटिस करी थी और काफ़ी क्वान्टिटी में थे, उससे अंदाज़ लगा सकते हैं कि लोकल जिसको पसंद करते हैं, और पसंद करते हैं जिसका मतलब उनकी ज़ुबान पर ये टेस्ट है, लेकिन एज एन आउटसाइडर हमको थोड़ा समय लगेगा इसको अपना टेस्ट बनाने में। मैं तो एक चाहता हूँ कि फूड फिनिश करके आप हमारी तरफ से इनको थैंक्स करना, और आप लोगों को भी थैंक्स, क्योंकि अगर आप बीच में मीडिएट नहीं करते तो हम यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। तो अब एक चीज़ बड़ी वर्थ मैंशनिंग है, मैं चाहूँगा मैं मैंशन करूँ कि यहाँ पर ना हॉस्पिटैलिटी लेवल काफ़ी हाई है, अब हर लेवल पर है, जैसे इनकी लेवल पर भी जिनके घर हम बैठे हुए हैं प्लस इनकी लेवल पर भी है। तो अब जैसे अपना काम छोड़कर ये लोग हमारे साथ आ गए कि चलो आप आए हो तो आपको असिस्ट कर दें, आप अकेले कैसे मैनेज करोगे या दो लोग के साथ कैसे करोगे, 2 से भले 4, तो ये चीज़ यहाँ पर काफ़ी अच्छी लगी मेरे को। तो हम फूड फिनिश करते हैं, इनको मितेला बोलेंगे। शाम के 6 बज चुके हैं, अब यहाँ से चलने का समय हो चुका है। एक बार ही आप हमारी तरफ से इनको बोल सकते हो हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर, और ब्लूइंग खुशी हूँ चौक मितेला 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 थैंक यू मितेला मितेला थैंक यू मितेला 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 मामा मितेला बाय बाय। हमारे को यहाँ से अपने होम स्टे पहुँचने में लगभग 2 घंटे लगेंगे, अब आपको बाय बाय करने का समय आ चुका है। तो आपसे मुलाकात अगले एपिसोड में होगी जो हमारी कल की जर्नी होगी, परसों मॉर्निंग हम वापस जा रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेघालय सीरीज़ आप इन्जॉय कर रहे हैं, इस समय गारो हिल्स मेघालय। बाय बाय, थैंक्स फॉर योर टाइम।